guys, welcome back to my channel Funix. So in today's video, I'm going to show you how you can DIY this super stylish mini swing, which is also called as jhula, in just few minutes. For this you will need cardboard, white paper, bendable craft wire and a small piece of chain, plier and scissor, glue and hot glue gun, brushes and white paint. So let's begin. So guys, as you can see, I have a cardboard ka piece liya hai, and on that I'm tracing a circle shape, coin shape trace kar rahi hu, and then main usko cut kar rahi hu. After cutting, main usko ek ring ka shape dungi, so main uska internal jo part hai circle shape ka wo bhi cut kar rahi hu, like this. And now मैं इसको glue की help से stick करूँगी. Guys, I have made this two. So यहाँ मैंने two इसलिए बनाए हैं so that उस पर जो मेरा base है stand है उस पर weight बना रहे. And then मैं दोनों को glue की help से stick कर दूँगी. Like this, guys. मैंने यहाँ एक strip भी cut की है cardboard से और उन दोनों को strip उसमें भी stick कर दूँगी. So that base पे weight रहे थोड़ा. After that मैंने जो ring बनाई है उसको मैं white paper से plain white paper से cover करूँगी. कवर करने के बाद गाइस इसको कट करके एंड आफ्टर दैट उसको फुली मैं डिज़ाइन लुक दे के कवर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू. आप इसको इस तरह से कट करके कवर कर सकते हैं. गाइस स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप कट कर ली सो दैट आपका सर्कल शेप एकदम परफेक्ट होगा. लाइक दैट ओनली मैंने ये स्ट्रिप को भी कवर कर लिया है वाइट पेपर से. एंड देन मैं उसको ग्लू की हेल्प से मिडिल में नहीं थोड़ा अप स्टिक करूंगी लाइक दिस इस शेप में. गाइस ये मेरा स्टैंड बन गया है. आफ्टर दैट मैंने एक वुडन स्टिक ली है एंड उसको मैं वाइट पेपर से कवर कर रही हूँ. गाइस अगर आपके पास प्लेन पेपर नहीं है नो इश्यू बिकॉज बाद में लास्ट में एट द एंड उसको वाइट पेंट से मैं पेंट करने वाली हूँ. सो गाइस इसको कवर करने के बाद नाउ मैंने यहाँ पे एक क्राफ्ट का वायर लिया है जो इजी बेंड हो जाता है एंड उसको भी मैं वाइट पेपर से कवर कर रही हूँ. सो गाइस दिस इज द वायर एंड यहाँ वायर पे मैंने प्लायर की हेल्प से एक हुक बना लिया है जिसमें मेरा जो स्विंग है झूला है वो उसमें स्विंग करेगा. आफ्टर दैट मैंने इन दोनों को इंसर्ट कर लिया है जो वुडन स्टिक कवर किया था एंड द वायर सो दैट वो एक ऐसा पिलर बन गया. आफ्टर दैट मैंने जो बेस बनाया उसमें मैं एक होल बना के इन द मिडल ग्लू की हेल्प से उस पिलर को इसमें स्टिक कर रही हूँ. गाइस लुक ये थोड़ा इस तरह से बेंड हो चुका है. वायर की हेल्प से वो बेंड देगा फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्टिक को वाइट पेपर से कवर करा है एंड हॉरिजॉन्टली कट किया है दोनों एंड से एंड उसको स्टिक किया है फॉर सपोर्ट एंड ऑल्सो फॉर स्टाइलिश लुक्स. नाउ मैंने यहाँ पे और भी पेपर्स को रोल करके कॉइलिंग कर लिए एंड उनको मैं ऐसे बेंड करके इस शेप में बनाऊंगी एज अ टीयर ड्रॉप शेप. दिस विल बी द फ्रेम, मेरे झूले का फ्रेम होगा ये. गाइस नाउ जो अंदर की डेप्थ है जिधर आप जो झूला रहता है वो बनाने के लिए मैंने वैसे ही स्ट्रिप्स कट की हैं, कॉइलिंग किया है एंड देन उसको मैं उसका फ्रेम बना रही हूँ. आफ्टर फ्रेम जो झूले का मेन नेट रहेगा उसको मैं हॉट ग्लू गन से एक स्टील का सरफेस लेके उस पर मैं स्क्रिबलिंग कर रही हूँ. गाइस आप किसी भी शेप में उसको डूडल कर सकते हैं बिकॉज वो एक नेट है सो उसमें कोई वरीज नहीं है आपको किस शेप में देना है. स्टील का मैंने बेस इसलिए लिया है बिकॉज ये सर्फेस ईजिली इस पर से ये निकल जाएगा एंड ऑल्सो बर्न नहीं होगा बिकॉज हॉट ग्लू गन थोड़ी सी हॉट होती है. तो गाइस कितनी आसानी से निकल गया एंड ये एक नेट रेडी हो चुकी है. आफ्टर दिस मैंने जो बीच में जितने भी अगर स्पेसेस खाली हुए हैं तो उनको आप फिल कर सकते हैं एंड देन स्ट्रिप्स में कट किया है सो दैट वो इजीली स्टिक हो जाए अंदर विदाउट कटिंग द स्ट्रिप्स. आई डोंट थिंक आप उसको इतना इजीली स्टिक कर पाएंगे. लुक गाइस झूला रेडी हो चुका है. इट्स लुकिंग सो वेरी नेचुरल. एंड देन आफ्टर दैट जो यहाँ पे हुक बनाया था उस पर वो हुक करने के बाद मैं उसको पेंट कर दूंगी वाइट फैब्रिक पेंट से सो दैट वो स्टील का लुक ना दे. गाइस पेंट करने के बाद यहाँ मैंने एक छोटा सा चेन का पीस भी लिया है उसको भी पेंट किया एंड ऑल्सो मैंने वायर लेके एक हुक बना लिया है सो यू कैन सी दिस. एंड देन मैंने जो मेरा झूला इसके टॉप एंड पे वो हुक स्टिक कर दिया है जिससे वो जो हैंग करेगा मेरा झूला उस स्टैंड में.
गाइस इसको आप हॉट ग्लू गन से इजीली स्टिक कर सकते हैं, अच्छे से कर दिएगा सो दैट इट वोंट कम आउट। नाउ गाइस जो मैंने चेन लिया था उसको प्लायर की हेल्प से उसका हुक ओपन करके उसको मैंने जो झूले में हुक फिट किया था उसमें स्टिक कर रही हूँ। देन गाइस मैंने क्लोज कर दिया है। अब जो मैंने हुक स्टैंड में बनाया था पिलर में उसमें भी मैंने लगा दिया है। ना गाइस फॉर द सीट मैंने यहाँ पे 2 वेलवेट कपड़े के मैंने यहाँ पे सर्कल्स कट किए हैं, उनमें स्टफिंग कर दी है कॉटन से सो दैट वो एक सिटिंग बेस बन गया है। एंड देन मैंने एक छोटा सा कुशन भी बना लिया है, टफ्टेड बनाया है, आप कोई भी टाइप का बना सकते हैं। ना गाइस उनको हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं जो उसकी सीट बनाई है वो स्टिक कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने जो अपना कुशन बनाया है उसको भी स्टिक कर दूंगी हॉट ग्लू गन से। लुक गाइस ये स्टिक हो चुका है, कितना डिजाइनर लुक दे रहा है। नाउ गाइस जो बेस है अगर उसको आपको और हैवी बनाना है, अगर वो लोड नहीं ले पा रहा है तो पॉलीमर क्ले फिल कर दीजिए जैसे मैंने फिल किया है। आफ्टर दैट मैंने पेन लिया है, मार्कर भी ले सकते हैं एंड उससे मैंने नट बोल्ट इफेक्ट दे दिया है नट बोल्ट का सो दैट ये और रियल लगे। गाइज इसका एकदम इफेक्ट नेचुरल आ रहा है। एंड गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। टिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय।